सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए वो जानकारी जो आपको यूट्यूब से कोई और दूसरा यूट्यूबर नहीं देगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है कि अगर आपने फेस पे अपने जालिम लोशन लगा लिया है तो क्या करना है। तो मैं जो लोगों को नहीं पता कि जालिम लोशन क्या है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के दांत खाज खुजली हो जाती है तो उसके लिए लोग जालिम लोशन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग यूज़ करते वक्त अपनी आँखों में और फेस पर लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही डेंजर मतलब कि ख़तरनाक पदार्थ है आपकी स्किन के लिए। तो ये गलती भूल के भी मत करिएगा अगर आपने फेस पर लगा लिया है। तो अब बात करते हैं कि आप अगर लगा लिया तो उसको किस तरह ठीक करना है और क्या दांत खाज खुजली परमानेंट तरीके से चली जाएगी कि नहीं। जालिम लोशन है, इसको यूज करने की विधि क्या है, ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। और इसको ये जो रुई वगैरह होती है इससे डिप करके आपके जहाँ पे दांत खाज खुजली हो रखी है वहाँ पे लगाया जाता है। इसको यूज करने से आपको 5-6 दिन के लिए आराम मिल जाता है। जो दांत खाज है वो कुछ लोगों की ठीक हो जाती है और कुछ लोगों की ठीक नहीं होती है। तो जिन लोगों के दांत खाज खुजली नहीं ठीक होती है, जिन लोगों ने फेस पे लगा लिया है, उनके लिए करना क्या है। तो देखिए, ये बहुत ही महंगा तेल है। तो आज से 3 साल पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें 3100 रुपये की कुछ समथिंग दवा मिलती, तो जो मैंने मंगाई थी तो उस ही दवा में ये तेल निकला था। तो इस तेल को मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढा और जो जहाँ से मैंने मंगाई थी वो ऑनलाइन ही था, तो बट वो ये तेल दे नहीं रहते। तो ये तेल मुझे कुछ ही दिनों पहले आपको अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मुझे दिखा। तो मैं ये पुरानी देख रह सकते होंगे, बहुत गंदी गंदी रखी हुई है, तो ये एक्चुअली में पुरानी है। तो इसको मैंने फिर से ये तो ऑनलाइन मंगाई, मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। बहुत ही गजब का तेल है। इस तेल को यूज किस तरह करना है, जहाँ पर आपने फेस पे लगाया जालिम लोशन उसके ऊपर आपको रात को सोते वक्त लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। और अगर बॉडी के पार्ट में या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में या फिर जांघों के बीच में या फिर गले के पीछे कान के नीचे कहीं पे भी अगर दांत खाज हो रखी है तो केवल नहाने के बाद और रात को सोते समय 2 टाइम इसको यूज करना है। इसको यूज करने से आपकी जो दांत खाज खुली वो परमानेंट तरीके से ठीक होगी। दोस्तों, ये आयुर्वेदिक तेल है और इसमें जो औषधियाँ मिलाई गई हैं वो बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से मिला के बनाया गया ये तेल है। ये खाली इसलिए क्योंकि मैंने यूज करके इसको ख़त्म कर दिया, और आप सब लोगों के घर में एक बॉटल तो ये होनी ही चाहिए। अगर आप इस तेल को यूज करोगे, अपने घर पे रखोगे, तो यार मान लीजिए सभी लोगों के, देखिए आपके परिवार में आप किसी से पूछ लेते हो, खुजली की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम का जड़ से समाधान चाहिए ना, तो इस तेल को आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। ये खुजली का दुश्मन लिखा ही नहीं हुआ, ये सच में अड़ियल तेल खुजली का दुश्मन ही है। तो दोस्तों, आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में पता कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ अमेज़ॉन का और फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ही शेयर करना यार, क्योंकि खुजली को प्रॉब्लम सभी के पास होती है। तो यार थोड़ा आप लोगों को दुआएं देंगे, आपके लिए भला होगा। तो वीडियो को शेयर करना, नए हो चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।